हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। आज की वीडियो हम करेंगे गाइस ब्लू एंड ऑरेंज कलर में फोटो एडिट। टू गाइस, जैसे अभी आपको स्क्रीन में दिख रही है, तो गाइस आपको भी इस टून में इस कलर में अपने फोटो एडिट करना है, तो वीडियो को स्किप ना करना एंड तक देखना। और गाइस, हमेशा की तरह इस कलर को प्रीसेट मिल जाएगा। प्रीसेट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जैसे लिंक पर क्लिक करते हो, 4 डिजिट का एक पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड के बिना प्रीसेट डाउनलोड नहीं होगा। तो गाइस, पासवर्ड वीडियो में बता दूंगा, उससे वीडियो को स्किप ना करना एंड तक देखना। उसके पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, तो गाइस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे कर देना, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन की अपडेट्स आपको मिलते रहेंगी और इंस्टा पे जाके फॉलो करना। तो बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो करते हैं गाइस स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। अगर गाइस आपका लाइटरूम ऐप डाउनलोड नहीं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस ऑल फोटोज पे चले जाएंगे। उसके बाद गाइस प्रीसेट पे क्लिक कर लेंगे। प्रीसेट पे क्लिक करने के बाद इसकी करेंगे कॉपी सेटिंग। कॉपी सेटिंग करने के लिए 3 डॉट्स पे जाएंगे, कॉपी सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, फिर 3 राइट करके कॉपी सेटिंग कर लेंगे। उसके बाद गाइस आपकी जो भी नॉर्मल सी फोटो रहेंगी, आप जिस तरह की भी आपकी फोटो रहेंगी, उसको ऐड कर लेना है। बस इतना ध्यान रखना है कि गाइस पीछे में ग्रीन कलर और कहीं ना कहीं ब्लू कलर भी रहना चाहिए। ब्लू कैसे भी टून रहे, बस ब्लू कलर रहना चाहिए। तो गाइस आपकी फोटो में इस तरह का टून आसानी से आ जाएगा। आप बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर कितनी ऑसम लग रही है। बस कुछ एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, जैसे आप अगर आपको हर फोटो में लाइट्स अलग होती है, तो गाइस कभी कभार आपकी फोटो में अगर डार्क टून हो, डार्क लाइट्स हो, तो गाइस आपकी फोटो में डार्क टून भी आ सकता है। तो गाइस कुछ अपने हिसाब से आप लाइट्स एडजस्ट कर सकते हैं। हाईलाइट्स और ग्रेन को बढ़ा देना है, 2-2 रहेगा तो गाइस इसको 4-4 कर देना है आपको। फिर गाइस यहाँ से कॉन्टेस्ट को भी बढ़ा देना है। फोटो में कॉन्टेस्ट बहुत कम है, तो गाइस फोटो में हम कॉन्टेस्ट बढ़ा देंगे। वैसे उस तरह से जो आपकी फ़ोटो में कम रही, वो आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। बस इतना ही आपको हमको बताना था। फिर इसी की कॉपी शेडिंग करके हम बाकी फ़ोटो भी पेस्ट कर सकते हैं इस तरह की, क्योंकि ये फ़ोटो और वो फ़ोटो सेम ही है, बस बैकग्राउंड सेम है, पोस्ट अलग है। ये वाली फ़ोटो भी कर देंगे पेस्ट शेडिंग। तो गाइस ये भी देख सकते हैं आप कितनी ऑसम लग रही है, बिफोर एंड आफ्टर। जैसे ये बिफोर एंड आफ्टर कितनी ऑसम गाइस, एकदम नया लुक दिख रहा है फ़ोटो में और कलर भी एकदम मस्त लग रहा है फोटो में। जैसे ये वाली फ़ोटो रही, तो गाइस में एकदम मिक्स कलर आएगा, जैसे देख बताता मैं आपको। जैसे 3 डॉट्स भी आएंगे और पेज शेडिंग कर लेंगे, देख सकते हैं आप गाइस कितनी ऑसम लग रही है, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। फिर गाइस ये वाली फ़ोटो पे जाएंगे, इसमें गाइस पूरा स्काई पूरा ब्लू हो जाएगा, तो वो भी एकदम मस्त लुक दिख रहा है फ़ोटो में। जिसे हम जाएंगे इस पर भी 3 डॉट्स पे आएंगे, पेज शेडिंग कर देंगे, देख सकते हैं आप गाइस बिफोर एंड आफ्टर। जो मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर कितनी ऑसम लग रही है गाइस, कलर भी एकदम मस्त लग रहा है फोटो में। तो गाइस अभी मैं आपको बिना टाइम वेस्ट करे प्रीसेट का पासवर्ड बताता हूँ। तो गाइस सिंपल हम प्रीसेट पे आएंगे। तो गाइस प्रीसेट का पासवर्ड सिंपल सा है, 6160 ने 61 एंड 60, सिंपल सा पासवर्ड है। प्रीसेट जैकेट डाउनलोड कर लेना। फिर ये लास्ट फोटो इसी भी कर देंगे पेस्ट शेडिंग। फिर गाइस इसी का मैंने प्रीसेट बनाया, गाइस आप ये भी देख सकते हैं। पहले गाइस इस तरह की फ़ोटो थी, हो नॉर्मल फ़ोटो गाइस इस तरह की थी पहले। प्रीसेट की सेटिंग पेस्ट करने के बाद कुछ इस तरह की आ गई। फिर गाइस फोटो सेव करने के लिए आपको सेव टू डिवाइस पे नीचे एक्सपोर्ट पे जाना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको IPG सिलेक्ट करना है, इमेज मतलब IPG यानी इमेज। यहाँ से क्वालिटी आपको 100% सेव करना है। फिर लाइक कर, फिर गाइस अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे कर देना। और गाइस एक कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। तो मिलते फिर इसी तरह की किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।